यू मुंबई और बेंगलुरु बुल्स के बीच में मुकाबला शुरू हो रहा है। कबड्डी के सबसे बड़े नाम प्रदीप नरवाल इस मुकाबले में खेल रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स को जीत की केवल आवश्यकता ही नहीं है, भूख है, क्योंकि उपवास चल रहा उनका इस सीजन। बिल्कुल, बहुत लंबा उपवास हो रहा है मंत्रा, उपवास को तोड़ना होगा और वापस आना होगा जल्द से जल्द अगर वो इस लीग में बने रहना चाहते हैं। पहली रेड, पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा, एस्केप रूट पर मौजूद था प्रदीप नरवाल के। और इस वक्त अजीत चौहान पिछले मैच में जो नहीं कर पाए थे वो आज बेंगलुरु बुल्स के सामने करना चाहेंगे। नंबर 11 आउट। सुनील पर इस समय राडार लगातार चलता हुआ, अगर उनकी असिस्ट देखें तो आप 36 असिस्ट हैं, 28 टैकल पॉइंट्स, जितने टैकल पॉइंट उससे ज्यादा असिस्ट। और बढ़िया डिफेंस यहां पर यू मुंबई का। बोनस पॉइंट बेंगलुरु बुल्स, 1 पॉइंट यू मुंबई। बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड यहां पे अजीत चौहान। अगर आप पिछले 5 मैचेस में उनका प्रदर्शन देखें तो पिछले मैच में मौका भी नहीं मिला और उन्हें पॉइंट्स भी नहीं मिले। नंबर 4 आउट। और बुल्स का कोई भी रेडर 5 से ज्यादा का उसका औसत है नहीं सीजन 11 में, और यही बचे हैं कि टीम अभी नंबर 12 पर है, लेकिन वापसी कभी हो सकती है। रिंकू गए जरूर लेकिन ग्रिप नहीं मिली, एंगल नहीं मिला। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। नंबर 12 आउट। क्या बात है, लहर में निकले हैं अजीत चौहान और नितिन रावल, बड़े डिफेंडर को बाहर किया। बिल्कुल, लीग के नंबर 2 डिफेंडर है नितिन रावल। प्रदीप नरवाल ने छलांग लगाई है, उछल के निकल कर गए हैं। रेडर से 1 पॉइंट और खाता खोला प्रदीप नरवाल ने अपना। स्टीवर्ट, बहुत करीब और अच्छी शुरुआत हो सकती थी स्टुअर्ट की। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन यहाँ पे सनी शेरावत का। जितना वक्त जाएगा रेडर पर दबाव बढ़ता जाएगा और यहाँ गए सीधे पैरों पर परमेश भैंसवाल। 1 पॉइंट यू मुंबई। यहाँ पर पॉइंट मिला डिफेंस में परमेश और सुनील की जोड़ी, और ये शिकार किया प्रतीक ने। प्रतीक का हाथ आया पहले। रेडर आउट। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। और बुल्स का ये पॉइंट मिलना बेहद अहम है क्योंकि अजीत चौहान गए हैं। स्वर्णिम समय चल रहा था, उस समय उन्हें इस प्रकार कोई डिफेंडर नहीं रोक पाता था। 1 पॉइंट यू मुंबई। बिल्कुल, बहुत कुछ बदला है प्रदीप के अंदर, डिफेंस ने अपने आप को अपडेट किया है, अपग्रेड किया, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना दादा, कुछ वैसा ही यहां पर भी हो रहा है। रेडर्स भी नए नए स्किल्स दिखा रहे हैं, डिफेंडर्स भी नए नए स्किल्स दिखा रहे हैं। कबड्डी एडवांस होते जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है। जीत के दोनों पैर अंदर थे यानी। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। ये पॉइंट ला भी सकते हैं, ललचाना होगा डिफेंस को, पर यहां पे बहुत डीप चले गए सुशील। रिंकू ने फायदा उठाया उसका। यू मुंबई। उनके टोटल डिफेंस में पॉइंट है 138 और 50 पॉइंट सिर्फ सुपर टैकल्स से आए, तो ये बताता है कि कितना रिलाय करते हैं सुपर टैकल्स पर। अगली बार इंतजार करेंगे, ये डू ऑर डाई है, और डू ऑर डाई में अगर वक्त निकलेगा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी फिर से। या बिल्कुल, और वो मुश्किल बढ़ गई है, चढ़ गई है। 1 पॉइंट यू मुंबई। ताऊ भी खुश हो गए, और यहां पर रॉब सुपर टैकल की गुंजाइश, ये लीजिए। कामयाब क्या हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऑल आउट, 2+2 हो गई। इसके साथ ही बुल्स, मौका लिया था उन्होंने सुपर टैकल में, लेकिन कामयाबी मिली नहीं और उन्होंने खुद समर्पण कर लिया, आउट हो गई टीम बुल्स की। अजीत चौहान भी पिछले दिन नहीं चले थे, उनको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, आज वो कमाल कर रहे हैं। प्रदीप नरवाल गए और रिंकू ने अपनी शहादत दे दी। रेडर सेव। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। नंबर 12। अच्छा पॉइंट था प्रदीप नरवाल का। मंजीत अंदर और मंजीत लेट गए, ये तो बहुत बढ़िया, सीधे पैरों पर जाकर
बेंगलुरु बुल्स। और अब यही समय है जब आप पॉइंट्स लेने का सिलसिला शुरू कर दें। ये अच्छा डिफेंस था, रिस्की था, जोखिम था, लेकिन दो डिफेंडर्स की आपसी तालमेल की वजह से अजीत चौहान को पकड़ दिया गया। ऐसे रिस्की टैकल करना होगा अजीत चौहान को अगर टैकल करना है तो। यू मुंबा की तरफ छोका हुआ होगा ये मुकाबला, कम से कम ये वाली जो रेड है। बिल्कुल सुनील ने इंतजार किया, एंकल पर गए और साथ ही साथ डिफेंस का अच्छा सपोर्ट भी आ गया। बिल्कुल स्टुअर्ट के खाते में अभी कुछ बहुत ज्यादा जमा नहीं है, लेकिन यहाँ डिफेंस ने काम किया। बेंगलुरु बुल्स बहुत ही बढ़िया टैकल यहाँ देखने को मिला नवीन कुंडू का एक बार फिर। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट। संजदा पहले हाफ की तो यही कहानी है, वही पुरानी है। 8 पॉइंट से लीड कर रही है यू मुंबा की टीम। बिल्कुल प्रदीप नरवाल में वो मादा है कमबैक का, लेकिन अगर डिफेंस इस तरह से उन पर टूटेगा तो वो निकलेंगे कैसे। दूसरे हाफ का पहला कामयाब टैकल। ओहो क्या बात है, दोनों हाथ पीछे कर दिए मनजीत ने। 2 points, यू मुंबा। ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट्स लेकर के तश्तरी में खड़े हुए हैं। सनी शेरावत को इतना एडवांस टैकल की क्या जरूरत थी। चलिए पॉइंट उठाया है इस वक्त जतिन ने। 1 point बेंगलुरु बुल्स, नंबर 12 आउट। दूसरा पॉइंट है ये। लेकिन यहां पर चलिए अच्छा डाइव किया बेंगलुरु बुल्स, बहुत ही अच्छा डाइव वहां पे अरुण लंता बाबू का। और ये सेकेंड हाफ के अंदर बेंगलुरु बुल्स ने गति पकड़ ली है, वापस आते से ही बैक टू बैक पॉइंट्स उठा रहे। और लेकिन प्लान चेंज, रेडर सेव, 1 point, यू मुंबा, नंबर 1 आउट। पिछले 4 मैचेस में बुल्स की डिफेंस ने 51 टैकल पॉइंट हासिल किए। लगातार लेफ्ट कॉर्नर पर अटेम्प्ट करने की कोशिश और ये पैरों पर गए। फिर एडवांस टैकल था, लेकिन इस बार किस्मत साथ में थी कि डिफेंस का सपोर्ट 1 point बिल्कुल सही समय पर आया। बस खास करके प्रतीक का इस तरह से एस्केप रूट पे सही समय पे आ गए प्रतीक वहां पे। एक बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ में आता है रिशांक आपको प्रदीप नरवाल के? फुटवर्क तो स्लो हुआ है प्रदीप नरवाल का, बहुत ही टेंटेटिव लगते हैं जब रेड के लिए आते हैं, पता लगता है कि अब क्या करेंगे और डिफेंस वहां पे हावी होता हुआ दिखता है प्रदीप पर। सक्सेस मिला है इस वक्त रोहित राघव को, देखने वाले देखते रह गए और यहां मल्टी पॉइंट रेड लग गई। प्रदीप परवाल गए इस बार डू ऑर डाई में और फील देख लीजिए जो सेटिंग है डिफेंस की, अंदर घेर लिया था प्रदीप को और फिर बाहर जाएंगे। ये 5वीं बार टैकल हुए हैं, जतिन आए हैं रेड पर, 7 का डिफेंस है। सोनवीर को देखिए किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं। बोनस लेने का एक अटेम्प्ट जतिन ने जरूर लिया, लेकिन यहां पर रनिंग हैंड टच का दावा और इस दावे में सच्चाई है, इस दावे में दम है। सुनील कुमार को बाहर किया। बेंगलुरु बुल्स नंबर 11 आउट। ये फिर डुबकी और फिर लो चेन लेकर के आए। जतिन नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ओहो सुनील से गलती कराई, रेयर मिस्टेक। 1 point बेंगलुरु बुल्स नंबर 11 आउट। और आज सुनील को बहुत बार भार किया है बुल्स के रेडर्स ने, इसके पहले जतिन ने एक टच पॉइंट लिया था और अब जाके सुशील ने। बिल्कुल लगातार 2 बार अभी सुनील कुमार को बाहर किया गया, वरना आसान नहीं है ये और आसान नहीं थी ये रेड। 2 points बेंगलुरु बुल्स। सुशील रेड करके दिखाया है, मल्टी पॉइंट रेड लंबे समय के बाद देखने को मिली सुशील से। बहुत ही अच्छी रेड, जिस तरह से एस्केप रूट तय किया वहां पे, पूरा का पूरा डिफेंस है यहां पर। पैर लिए मनजीत डैश आउट कर दिए गए, मनजीत डैश आउट कर दिए गए ऋषभ। ऑल आउट हो जाएंगे यू मुंबा। बुल्स ने की वापसी, प्रदीप नरवाल को मिले मल्टी पॉइंट और 2 पॉइंट ऑल आउट के।
सुशील आए हैं, दो पॉइंट्स का फासला हो गया है और अब घट करके एक बचेगा। रेडर से वन पॉइंट, बेंगलुरु से पासा पलट दिया दोस्तों। यू मुंबा को समझ में आ गया है मोमेंटम बुल्स के पास है, इसलिए वो सेफ खेलने की कोशिश करेंगे। सुनील को एक बार फिर बाहर किया, पिछले लगातार तीन बार डिफेंस करते हुए सुनील बाहर गए हैं। लीड पर आ गया है अब बुल्स। यू मुंबा के लिए पॉइंट्स उठाना होगा रोहित राघव को, लेकिन बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस आज दीवार बनकर खड़ा हो गया। जहां पूरा समय पिछड़ रही थी बेंगलुरु बुल्स, वहीं पर उन्होंने अब लीड ले ली है। लेकिन इस समय मैट पे ना सुनील है ना परवेश है, सोमवीर पर दारोमदार, मनजीत पर दारोमदार और कर गए। रेडर आउट, सुपर टैकल, सीधे पैरों पर गए और आधा काट के वहीं पर रख दिया। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ मगर की जकड़। डू और डाई है इस बात का ख्याल रखें, रेडर पर प्रेशर होगा, वो प्रेशर ना ले। क्यों गए टैकल करने के लिए अरुण नाथ बाबू? जिस जगह पर आपने टैकल किया वहां पर आपने उपहार दे दिया यू मुंबा को। दो पॉइंट से यू मुंबा आगे, प्रदीप नरवाल ने पॉइंट ले लिया, दोनों के बीच का गैप वापस एक पॉइंट का हो गया। वन पॉइंट बेंगलुरु बुल्स, नंबर फाइव आउट। एक 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 लगाने की कोशिश, बॉक लाइन अभी तक के पार नहीं और पार कर गए। मनजीत ने मैच जीत लिया यू मुंबा के लिए। बहुत ही शानदार खेल, कभी टस कभी मस, कभी आगे कभी पीछे, इस खेल में सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली किसी को। किस तरह से बुल्स के मुंह से जीत का निवाला बाहर खींच लिया। बेंगलुरु बुल्स इस मुकाबले को जीतने की बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, दहलीज पर खड़े होते, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस मुकाबले को गवा दिया। यू मुंबा की शानदार जीत।